वेलकम बैक टू माय चैनल टेकग्राफर। सो गाइस, एप्पल का जो अपकमिंग अपडेट है दैट इज़ iOS 11.4, उसका जो बीटा 1 का जो अपडेट है वो आपके आईफोन के लिए यहाँ पर रिलीज़ हो चुके। सो इफ़ यू वांट टू अपडेट द बीटा 1, यू नीड टू गो टू द सेटिंग्स, देन गो टू द जनरल सेक्शन एंड उसके बाद आपको जाना है सॉफ्टवेयर अपडेट में। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो ये अपडेट है दिखा रहा है, पर ये अपडेट आपको तभी मिलेगा अगर आप बीटा अपडेट का जो प्रोग्राम होता है उसमें अगर आप इनरोल किए हो, देन ओनली यू विल गेट दी अपडेट। तो ओवरऑल इसका जो साइज है गाइज वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो, इट इज़ क्लोज टू 6.5 GB। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें आपको लिखा गया है कि iOS बीटा गिव्स यू एन अर्ली प्रीव्यू ऑफ अपकमिंग एप्स फीचर एंड टेक्नोलॉजीज। ऐसे बहुत सारे फीचर्स है जो कि आप iOS 11.4 में मिला है, जो कि आपको मैं वीडियो के आगे चलते बताऊंगा। एंड इस अपडेट के साथ अगर आपके पास यहाँ पर एप्पल वॉच सीरीज 9 या फिर कोई भी दूसरा एप्पल वॉच है, तो उसमें भी आपको जो वॉच ओएस का या फिर 10.4 का जो बीटा प्रोग्राम है उसका भी अपडेट आ गया है। एंड उसको पाने के लिए आपको यहाँ पर जाना है अपने वॉच के जो एप्लीकेशन उसमें। एंड अगर आप यहाँ पर जनरल सेक्शन के बाद उसको सॉफ्टवेयर अपडेट में जाएंगे तो गाइस ये जो अपडेट है ये आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन इसका बात मैं किसी और वीडियो में करूँगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि व्हाट आर द मेजर फीचर्स दैट यू विल गेट विद द अपडेट ऑफ iOS 11.4 बीटा 1। तो पहला यहाँ पर जो गाइस नया फीचर इंट्रोड्यूस किया गया है दैट इज साइड लोडिंग ऑफ एप्लीकेशन। अगर आप यहाँ पर एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हो तो आपको पता है कि फिर अपार्ट फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर उसमें क्या है कि आप इंटरनेट पे जाके कोई भी एप्लीकेशन को जो है आप डाउनलोड एंड इसको इंस्टॉल कर सकते हो एंड इसको यूज़ भी कर सकते हो। जैसे कैम स्कैनर वगैरह जो बैन हो चुका है उसको भी जो है आप किसी और जगह से डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकते हो, पर एप्पल के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि जो भी आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है वो सारे के सारे आपको ऐप स्टोर में मिलेगा एंड जो आपको इसी में अवेलेबल है उसी को आपको डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना है। लेकिन इस बार जो है iOS 11.4 के साथ आपको यहाँ पर जो एप्पल का साइड लोडिंग जो ये एप्लीकेशन है ये सारे के सारे आप इंस्टॉल कर सकते हो एंड उसको आप यूज़ भी कर सकते हो, यानी वन ऑफ द मोस्ट मेजर फीचर होगा iOS 11.4 के अपडेट में। नेक्स्ट है अगर बात करें फीचर्स में, तो गाइस यहाँ पर आपको नए नए इमोजीज आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इमोजीज का जो इमोशन है वो थोड़ा सा अलग किया गया है, एट द सेम टाइम फैमिली को जो रिप्रेजेंट करने के लिए भी कुछ इमोजीज जो है वो यहाँ पर लाया गया है। सो ओवरऑल आपको कुछ नए इमोजीज जो है आपको देखने को मिलेगा। टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट फीचर, तो अगर आप यहाँ पर बहुत सारे पॉडकास्ट वगैरह सुनते हो अपने एप्पल के म्यूज़िक पे, तो उसमें अभी क्या है कि आप पॉडकास्ट को जो है उसमें आप ट्रांसक्रिप्ट कर सकते हो। यानी पॉडकास्ट सपोज जैसे कि यहाँ पर कुछ पॉडकास्ट का यहाँ पर एल्बम है, तो सपोज कोई भी आप पॉडकास्ट प्ले करते हो तो वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, जैसे गाने में लिरिक्स आते हैं वैसे पॉडकास्ट में भी आप लिरिक्स या फिर वर्ड्स आएगा जिसको आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो एंड बाद में वहाँ पर एडिट वगैरह कर सकते हो। तो बेसिकली आप जो भी पॉडकास्ट यहाँ पर सुनेंगे वो सारे के सारे रिटन फॉर्म में एज ए लिरिक के यहाँ पर फॉर्म में वो आ जाएगा, ताकि आपको समझने में और यहाँ पर बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए वो आपको फ़ायदा हो। सो पॉडकास्ट में, नए इमोजीज में, एट द सेम टाइम साइड लोडिंग, ये तीन ऐसे मेजर फीचर्स रहेगा जो फिलहाल के लिए यहाँ पर बीटा 1 में देखने को मिला है। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस फीचर, अकॉर्डिंग टू ब्रैंडन बर्च, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो थर्ड पार्टी गेम है स्ट्रीमिंग सर्विसेज है उसको भी जो है इनेबल कर दिया जाएगा विद द अपडेट ऑफ iOS 11.4। सो केयरफुली अगर आप इसको देखते हो तो इस अपडेट में आपको मेजोरिटी तौर पे जो साइड लोडिंग ऑफ एप्लीकेशन है उसको बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया गया है। सो दीज आर सम फीचर्स जो आपको देखने को मिलता है विद द लेटेस्ट अपडेट ऑफ iOS 11.4 बीटा 1। एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू इंस्टॉल दिस अपडेट, आपको जो है यहाँ पर बीटा प्रोग्राम में एनरोल कर लेना है, उसके बाद इसको जो आप इंस्टॉल कर सकते हो। पर अगर मेरा माने तो गाइस इस अपडेट को अभी आप इंस्टॉल मत कीजिए, ऑफिशियल जब रिलीज होगा जो कि आपको मार्च या फिर अप्रैल में देखने मिलेगा तभी आप इस अपडेट को इंस्टॉल करना। सो आई होप आपको जो ये वीडियो है आपको पसंद आए। कोई भी जानना हो iOS 11.4 के बारे में या फिर iOS 11.3 का, मैं यहाँ पर रिव्यू भी लाया था, मेजर इशूज और प्रॉब्लम क्या वो भी आपके साथ यहाँ पर डील किया था, तो उस वीडियो को जो है आप देख सकते हैं। एट द सेम टाइम यहाँ पर एप्पल वॉच सीरीज 9 का भी यहाँ पर जो अपडेट आया वॉच ओएस 10.4 का, उसके रिलेटेड भी मैं वीडियो बनाऊंगा, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। सो आई होप वीडियो को वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर जरूर जाइए, क्योंकि ऐसे ही मैं यहाँ पर आईफोन रिलेटेड एट द सेम टाइम एप्पल वॉच रिलेटेड वीडियो जो लाता रहता हूँ। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड स्टे सेफ।